پالے میرے جازے دا خیال رکھیں اچھا تیں اج تو پہلے کدی میرے تے میرا بغیر کدی کلر رہیا نہیں ہے ابا میں اپنے بڑے دا خیال رکھساں تو بے فکر ہو جا جازے روز سکول جانا میں ٹیلی فون کر کے پتہ کروں گی یہ نہ ہو کہ میں نہیں تو تو سوتا ہی رہ گیا تو فکر نہ کر اپا میں روز سکول جاؤں گا ہلا ہن چلئے دیر ہوندی پئی ہے اپنا خیال رکھیں ہاں رب رکھا چلو جلدی 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 ہو جا آ جا आजा नाश्ता कर ले हाँ सेबो अभी तक सोई हुई है कितनी देर पहले तो मैं इसको उठा के गई हूँ फिर से सो गई लगता है इसी को उठाने आया था यहाँ पे जेबो पुत्र उठ जा चल तुझे स्कूल छोड़ के आऊँ इसको स्कूल छोड़ूंगा तो दुकान खोलूंगा ना चल मैं इसको उठाती हूँ तू जाके नाश्ता कर ले ठंडा हो रहा है क्या नाश्ता नाश्ता तूने शोर मचाया है ओ तूने कौन से हलवे पूड़े बना दिए मेरे लिए या परौठे बना दिए ओए अपनी तरह की सड़ी रोटी रख दियो कि तूने जो कुछ भी बना लूं आजकल मुमताज तूने लड़ना ही होता है हर बात तू कुछ ना कर मेरे लिए फिक्र ना कर मेरी इतना नाश्ता कराएगी मुझे हट यहां से क्या हुआ अम्मी जी कुछ नहीं चल तू जल्दी से उठ जा देबो स्कूल से देर हो रही है मिली का तो मुझे कुछ नहीं पता जो पता तू मैंने दिता सी ना उधर मैंने पहुंचा दिया तुझे ये देख बाबे को मेरे को आपा कह रहे ना दंद ना कुछ चुप कर बेबे हला चल ठीक है तो कितने पैसे बने हैं 350 हाय हाय मैं मर गई तेरा बेड़ा गर्क होवे इतने पैसे क्या बात है सब पागल समझा हो या कलियां देख के मामा दिया को लुटन का प्रोग्राम है तेरा ओए आपा जी बस के अड्डे से लेके ना 2 घंटे से लेके तुझे घूम रहा हूँ जब ये एड्रेस मिला है और मैंने तो फिर भी कट पैसे मांगे हैं अरे ना हक तो क्या तूने 500 रुपया लेना सी मेरे से क्या तेरे रिश्ते में सोना चांदी लग गया हो या बात आ क्या कर रहा है तू क्या हो रहा है यार क्या तमाशा लगा रखा तुम लोगों ने रे भा तू कौन है मैं स्कॉटी का चौकीदार हूँ चल वे रक्षा वाले में रक्षा अड्डा ये झगड़ा कहीं और जाकर निपटाओ अपना क्यों असी क्यों जा दिए असी तो इतना ही बैठांगे मिली बीबी ने साकू बुलाया है उनको जाके बता के असी आ गए ही बैठी हूँ मैं बेबे बेबे मेरे को गल करने दे भाई साहब हम मुल्तान से आए हैं मेरा नाम मीरा है ये मेरी बेबे है शीदा मिली बीबी ने साकू मिलने बुलाया है आप मिली बीबी से जाके पूछो अच्छा ठहरो
और तुम लोग अपनी पंचायत बाद में करना, मेरे से पैसे दो, मैं तो जावा। तू चुप कर बाबा, इन्हें गल्ला ना बात ना करया कर, अपने बच्चे को हलाल खिवा हराम ना खिवा, बात करता है। मीरा तुम आ गई, I'm so happy कि तुम आ गई हो, पता मैं तुम्हारे सुबह से इंतजार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, क्या हाल है मिली? इस रिश्के वाले को देख, अल्लाह इसको पूछे, इसने सा को इतना घुमाया है, पूरा शहर घुमा छोड़िया, नाले हुन 350 रुपया मांगदा है, उठा पिंडो चले हां ता बस दा, इतना बड़ा किराया दिता सी, गरीब लोग कितो देविए, पर इतना लुटेरा है डाकू, ते किराया ते तू देसे ना, तू ता बुलाया सा को प्यार नाल है। क्या कह रही है? चुप करना, फिर क्या? जी जी, आप किराए की फिक्र ना करें, मैं किराया दे दूंगी, आप लोग अंदर चले ना, आए ठीक है, तो ये बक्सा था, मेरे सामान भी है साढ़े नाल। जी जी, वो आप अंदर चलें, वो आ जाएंगे। हला ठीक है। रहमत, ये सामान प्लीज अंदर रखवा दें और रिक्शे वाले को पैसे दे दें, ठीक है? ओ मीरा, आ जाना, क्या खड़ी है? आंटी ने आपको पहले फोन करा, इस औरत से मिलने के बाद आपके सर में शदीद दर्द होने वाला है और कई घंटों तक आपके कान बजते रहेंगे। चलो देख लेंगे। बस शुक्र है आ गए हैं। खैर नाल इतना प्यारा बगीचा है, इस तरह का तो मैं कभी देखा ही नहीं। आया मामा, ये शीदा आंटी हैं और ये मीरा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। शीदा आंटी, ये मेरी मामा, ये मैं मतलब मेरी अम्मी हैं, और अर्श और हारिस से तो आप पहले ही मिल चुकी हैं। कैसी हैं आप? आइए बैठिए। शुक्र है अल्लाह का, मेहरबानी। अरे अरे, ऊपर बैठी है। अच्छा चलो ठीक है, आ आ जा मीरा, आ। हुए हुए, मैं तो हैरान ही रह गई, लाहौर दे विच इतने वड्डे वड्डे घर हैं, असीं तां कदी देखे ही नहीं सी। आपको घर ढूंढने में मुश्किल तो नहीं हुई? ना जी, बहुत मुश्किल हो, ये तो वाह, असां को तो उस रिश्के वाले ने फिरा फिरा के चंगा किराया बनाया साढ़े को, इतना लुटिया उसने सब, तो आपको पता है ना, मेहनत की कमाई हो तो कितना दुख लग जाता बंदे को। हाँ, ये पंजीरी लिया देसी मैं थोड़े वास्ते, अपने हाथ से बनाई है मैंने, देसी घ्यो की है। अरे अरे, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत? तकल्लुफ कैसा जी, किसी दे घर आए बंदा तो पहली बारी खाली हाथ थोड़ी आंदा है, खा के बताना कैसी है, मैं अपने आप बनाई है, मैं को ते मीरा ने बहु किया बेबे, शहर वाले लोग यूं जी चीजा नहीं खाते, और मैं क्या जितनी मिली चंगी है, उनकी मां हुस्त भी चंगी होनी है। बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपकी लाई हुई सौगात जरूर चखूंगी। आ भाई इलियास, से किधर फिर रहा है? सलाम खालू जी। वालेकुम सलाम। और बड़े टॉर हैं यार तेरे, नवी बाइक शाइक मंगनी के बाद हैं। सैसी खालू जी, देबो कैसी है तू? अच्छी हूँ पायल यार, अभी स्कूल से लेके आ रहा हूँ ना इसको, दिन के वक्त दुकान बंद नहीं करता, करमे को बिठा गया था यहाँ पे, क्यों मैं करमे सब सेट है जी बाजी। मैं भी वो बैलेंस ही डलवाने आया थी। अच्छा कितने का करना है, कर देता हूँ। 100 का कर दे। नंबर बोल अपना। 100 45 5 30। खालू जी, ये सवेरे सवेरे खाला शीदा ते सारे घर वाले बक्से उठा के कहीं जा रहे सर, तुम्हें पता है कितने गए? और उन्होंने कहाँ जाना है, वो यहीं कहीं रुल रही होंगी, ज्यादा तो भी नजर आता है इसके स्कूल में। नहीं अब्बा, पायलियास ठीक बोल रहा है, ज्यादा ने स्कूल पर बताया था खाला शीदा और बाजी मीरा लाहौर गई हुई है, ज्यादा बता रहा था बाजी मीरा वहाँ टीवी पर गाएगी। मीरा टीवी पर गाने गाएगी? नवी गल सुन, ओ मीरा की बूथी देखी उसने, गाने गाएगी। अच्छा चल तू घर जा। अच्छा अब्बा जी, मैसेज चेक कर, हो गया तेरा इजी लोड। ओ तुझे एक बात बताऊं, ओ इन दोनों औरतों का ना नया तमाशा शुरू हो गया, तो किसी और ही चक्करों में, ये पहले तुझ पे डोरे डालती थी, दाल नहीं गली, फिर मेरे पीछे पै गई, भाई अब लाहौर किसी और मर्द के चक्करों में चली गई है। नहीं खालू जी, मेरा बहुत शरीफ लड़की है खाला शीदा भी। और छाड़ यार, जानता मैं इनकी शराफत मरास ने, भाई तुझे नहीं पता तेरी उम्र क्या है, तुझे कोई तजर्बा नहीं है, और बड़ी चतरो औरतें हैं ये, वो देख यार, वो किसी मर्द के बगैर ही लाहौर चली गई है। अल्लाह माफ करे यार, अल्लाह माफ करे। ते मेरा मियाँ सी माजा एकदम ही मर गया एक्सीडेंट च, मैं को ते अपने दोवें बच्चों को कल्ला छड़ गया, मऊ ख्याल रखता सी साडा मां, मऊ प्यार करता सी सब, बड़ा ही अफसोस हुआ। बस ये पर मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजनी हाँ, दोवें पढ़ दे, जाजा भी स्कूल जाता था,
ਇਹਨੇ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ 9ਵੀਂ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਸਕੂਲ ਕੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਸ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੀਰਾ ਕੋ ਟੀਵੀ ਪੇ ਗਾਣੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਦਵਾ ਦਿਓ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸਕੋ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ। ਹੈ ਮੀਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਨਾ। ਸ਼ਰਮਾਂਦੀ ਬਹੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢੋਲ ਕੀਤਾ ਪੇਟੀ ਸ਼ੇਟੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਸ਼ੀਦਾ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ। ਚਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਜਾ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪ, ਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਵਈਆਂ ਕੋ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਗਾਣੀ ਆ। ਬੇਬੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ, ਛੱਡ ਵੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ? ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਤੋ ਲੂੰ, ਮਗਰ ਮੁਝੇ ਮੌਸੀਕੀ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮਿਲੀ, ਹਾਰਿਸ ਔਰ ਅਰਸ਼, ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਤੇ। ਤਬ ਤੋ ਸਾ ਟੀਵੀ ਪੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਪੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਤੋ ਫਲਾਹੀ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੂੰ। ਨਾ ਤੋ ਪਰ ਮਿਲੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਰਾ ਕੋ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਵੀ ਪੇ ਕਾਮ ਕਰਾਏਗੀ, ਤੋ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੀਦਾ ਆਂਟੀ, ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਆਪਸੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ। ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਮਿਲੀ ਕੋ, ਬਹੁਤ ਬੜਬੜ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਬ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸਕੀ ਤਬੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਂਗੀ। ਪਰ ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਨਾ ਬਾਪ ਟੀਵੀ ਪੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਕੋ ਗਾਣਾ ਗਵਾਏਂਗੀ? ਸ਼ੀਦਾ ਆਂਟੀ, ਹਮ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਵੀ ਪੇ ਜਾਏਂਗੇ, ਮੈਨੇ ਆਪਸੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ। ਹਮ ਤੀਨੋ ਟੀਵੀ ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੇਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਹਮ ਤੀਨੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਟੀਵੀ ਪਰ ਗਾਏਂਗੇ, ਔਰ ਹਮ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਮੀਰਾ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਗਾਣਾ ਗਾਏ। ਅਗਰ ਟੀਵੀ ਵਾਲੋ ਕੋ ਹਮਾਰਾ ਗਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਤੋ ਫਿਰ ਵੋ ਹਮੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੇਂ ਗਾਣੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਦੇਂਗੇ। ਯੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪਰ? ਜੀ ਜੀ ਆਂਟੀ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮੀਰਾ ਕੋ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਕੋ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਦੇਖੀ ਤੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਓਵਰ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਇਸ ਆਂਟੀ ਦਾ। ਸਪੇਂਡੂ ਕੋ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇਂ ਘੁਸਨੇ ਨਾ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਗਾਏਗੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦ ਦੀ ਆਈ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਿਆਸ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਬੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ, ਰਿਜ਼ਕ ਕੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਾ ਆਪਨੇ ਮੀਰਾ ਬੇਟੀ, ਤੁਮ ਵੀ ਕੁਛ ਲੈ ਲਓ ਖਾਣਾ। ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆ ਕਰ, ਆ ਕਰ ਦੇਖਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਆਪ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਵੈ, ਤਾਕੋ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਮਗਰ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਮ ਸੇ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਸੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆ। ਬਿੰਦੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਮ ਸ਼ੀਦਾ ਔਰ ਮੀਰਾ ਕੇ ਲਈ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਾਮਾ। ਓਕੇ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਆਂਟੀ ਹੀਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਂਟੀ, ਆਂਟੀ ਇਹ ਇਨ ਪੇਂਡੂਓ ਕੋ ਕੈਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੀ ਆਪਨੇ ਇਧਰ ਰਹਿਣੇ ਕੀ? ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ, ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਂਟੀ ਆਪਨੇ ਉਸ ਚਾਹਲ ਖਾਤੂਨ ਕੋ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਗਲਾ ਫਾੜ ਕਰ ਬੋਲਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸਕੀ ਵੋ ਗਵਾਰ ਬੇਟੀ। ਤੁਮ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਕੇ ਕਾਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਏ, ਵਾਈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ? ਮਾਮਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਪਨੇ ਮੀਰਾ ਔਰ ਉਸਕੀ ਬੇਬੇ ਕੋ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣੇ ਦਿਆ ਹੈ, ਆਈ ਰੀਲੀ ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ। ਮਿਲੀ, ਅਭੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਮਤ ਹੋ, ਉਨਕੋ ਯੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਨੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਕੇ ਲੀਏ ਨਹੀਂ ਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੈ ਤੁਮ ਲੋਗ ਕੀ ਰਿਹਰਸਲ? ਮਾਮਾ, ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨ ਬਚੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਡਿਸ਼ਨਸ ਕੇ ਲੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 9 ਦਿਨ ਕੇ ਲੀਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਐਸੇ ਤੋ ਨਾ ਕਰੇ ਮਾਮਾ, ਅਗਰ ਹਮ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕੇ ਲੀਏ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਤੋ ਹਮੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇ ਜਾਣਾ ਹੋਗਾ, ਔਰ ਉਸਮੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਲਗੇਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪਰ ਉਨ ਅਣਜਾਨ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਇਸ ਘਰ ਮੇਂ 9 ਦਿਨ ਰਹਨੇ ਕੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਅਬ ਬਾਕੀ ਤੁਮ ਲੋਗ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਤੇ ਹੋ ਯਾ ਨਹੀਂ, ਇਸਕਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ। ਯੇ ਹੀ ਨਾ ਬਾਤ ਆ ਗਈ, ਆਪਕੋ ਨੋ ਕੋ ਯਾ 9 ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਤੁਮ ਤੋ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ ਮਾਮਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਸਨੋਬ, ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ। ਯੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕਮ ਪੈਸੇ ਹੋਤੇ ਤੋ ਉਸੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਸਮਝਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਤੋ ਇਤਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਲੀਏ। ਮਿਲੀ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਇਨਫੀਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਉਸੂਲ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਔਰ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਮਗਰ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਅਣਜਾਨ ਹੋ, ਉਸਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਮੇਂ ਰਹਿਣੇ ਕੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗੀ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਅਣਜਾਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਰੁਪਿਆ, ਪੈਸਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯਾ ਫਿਰ ਪਾਵਰਟੀ ਔਰ ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
I hope you're getting my point. अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। मामा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। ठीक है मामा, आप जाएं, बाय। ओके। मिली एक मिनट, मुझे तुम लोग ये तो बताओ, अच्छा अभी अभी ख्याल आया है कि तुम्हारे बैंड में एक नई वोकलिस्ट को टीवी शो वाले एक्सेप्ट कर लेंगे। Did you talk to them about it? जी जी मामा, उनसे तो बात हो गई है। They said कि it's not an issue at all. हम एक नई वोकलिस्ट ला सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बहुत मेहनत करो, ऑडिशन में पास होकर आओ एंड मेक मी प्राउड। ओके अच्छा बाय। इन्हें तो घर तो देख कितना बड़ा, इधर तो पूरे गांव जितना घर है। तो पेपे सामान सामान वो मिली हमारा सामान किधर है? सामान नजीर कमरे में रख चुका है आंटी, चले आप लोग अंदर चले। अच्छा जल्दी आना, सामान आ गया। सामान ये आप लोगों का कमरा है, किसी भी चीज की जरूरत हुई तो जरूर बताइएगा। द बाथरूम राइट है, आप लोग फ्रेशन अप हो जाए, मैं आपके लिए फौरन चाय भिजवाती हूँ। मीरा हमने आज से गाने की तैयारी शुरू करनी होगी, वक्त बहुत कम रह गया। ठीक है ओके। क्या कह के गई है सामने, क्या है? मेरे को तो कोई बात इसकी समझ नहीं आई। आ गई आप अपनी चहेती मीरा और उसकी लाउड स्पीकर मामा को छोड़ गए? बकवास मत करो, तुमने खामखा की ग्रज पाल ली है मीरा और शीदा आंटी के अगेंस्ट, और कुछ नहीं है। बस मिली बड़ी अफसोस की बात है, आई मीन शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। तुमने मामा से झूठ बोला? तो मैंने जान के तो नहीं मामा से झूठ बोला ना, उन्होंने एकदम मुझसे पूछा और मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। और तुम्हें बेहतर लगा कि तुम उनसे झूठ बोल दो? अब तुम दोनों मुझे गिल्टी फील कराना बंद करो, मैंने मजबूरी में झूठ बोला है, अगर मैं सच बोल देती तो। कि तुम्हारा प्लान मीरा साहिबा को फरवा बनाकर ऑडिशंस पर ले जाने का है, तो मामा तुम्हें जरूर बहुत प्यार करती। वैसे ये बात तो अभी भी आंटी को बताई जा सकती। खबरदार तुम दोनों में से किसी ने मामा या पापा को कुछ भी कहा, आई स्वेयर आई विल मर्डर यू। मिस मलिया, इफ यू डोंट रियलाइज, तुम हमें भी थ्रेट देने की पोजीशन में नहीं हो। इनफैक्ट इस वक्त आप सिर्फ ब्लैकमेल होने की पोजीशन में है, तो काइंडली आप बिहेव करें प्लीज। अभी तुम दोनों मुझे जहर लग जाओ, मरो तुम दोनों, चलो स्टूडियो। हाय हाय, ये गुसलखाना है? नहीं नहीं, ये तो कमरा है। ये क्या वाला गुसलखाना है? डब्बा टीन ढूंगा ना डब्बा। मीरा उरे आ जरा। आई बेबे। हाँ बेबे देखता सही आके, क्या बात है भाई नहावी की वे? पेपे नलका तो इधर है, पानी इधर से आएगा। हाँ पर नहावन वाला तो नहीं नहेगा, बंद कर। हाय ये क्या इतनी बड़ी हौदी, और जिवे साड़ी मज ते चारे वास्ते नहीं हुंदी। पर मेरे को लगता है एक कपड़े धोने वाला दाबड़ा है। बेबे नलके तो इसमें भी लगे हैं। हाँ पर ये तो कपड़े धोने वाला ना, अजीब कितने बड़े लोग हैं, इतना बड़ा घर बना लिया, गुसलखाना नहीं बनाना आया। तू ही वे कर जाके ते बिल्ली को बुला के लिया, उनको कह के भाई असी क्या करिए, सब कुछ दस सोखी में नहाविए। बेबे इतना बड़ा घर है, मेरे को रास्ते नहीं समझ आने। दूर फिटे मुँह तेरा कूड़, हर बात में झकती रहती है, किसी काम की नहीं है तू। एक तो गुसलखाना मेरे को समझ नहीं आ रहे थे, वो तो तू रहने दे, मैं आप बुला लाऊंगी। मिली वैसे शुक्र है तुम दोनों मेरे साथ लिरिक्स लिखने और म्यूजिक कंपोज करने पर तो राजी हुए। जी क्यों नहीं होंगे राजी, वर्ल्ड्स बेस्ट सिंगर मिस मीरा खुद तशरीफ जुला चुकी है। लिरिक्स तो लिखने पड़ेंगे, म्यूजिक तो बनाना पड़ेगा। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो अर्श, बस ये सार्केस्टिक टोन रख कर ना मेरा मूड ऑफ करने की कोशिश मत करो। यार मिली इधर देखना है, यहाँ पे सजना लव सही नहीं रहेगा,
It's good. Milli putr, tera baat ta sun mere. Chale ji. Lyrics to likh chuke hum aur bana chuke music. Milli. Oh, Milli. Please jaldi jao isse pehle ki khatoon pura mohalla sar pe utha. Ja rahi hu. Oh, Milli. Milli baat ta sun. Ji aunty. Milli, oh ta ghusl khane mein pani nahi hai. Mere ko samajh nahi aundi kive nahawangi main. बता तो सही मेरे को चल के ठीक है यहाँ तो पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है ये तो हो ही नहीं सकता कि पानी ना आ रहा न पर वो तो मीरा भी खड़ी है ना उसको समझ आ रही है ना मेरे को आ रही है तो चल ना चले मिली आई थिंक उन्हें टैप्स चलाने नहीं आ रहे उन्हें टैप्स खोलना सिखा दो और सुनो ये म्यूजिक शूजिक की प्रैक्टिस कभी बाद में कर लेंगे आज टैप्स की क्लासेस दे दो चले आंटी मैं आपको दिखा दू चल देखता सही ना क्या बात बनी है आंटी मैं आपको दिखा देती हूँ कि पानी यहाँ कैसे आता है ठीक है हिंदे बच्चू ये तो बहुत दी है बड़ी सारी आंटी ये टब है आप इसके अंदर नहाएंगे हिंदे बच्चू क्या मतलब है हिंदे बच्चू मैं पैर पावा तो फिर कड़ा ना 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 भाई मेरे को चोट लग गई तो टूट भाज हो गई तो कौन जिम्मेवार है ना तू तो इन्हें कर मेरे को बाल्टी तो ढूंगा डब्बा ले आ दे मैं नहा लवांगी तो पीढ़ी भी मंगा देनी ठीक है आंटी मैं नजीर को भेज के आपके लिए चीजें मंगवा देती ठीक मीरा तुम फ्रेशन अप हो जाओ फिर मैं तुम्हें स्टूडियो ले जाऊंगी किधर जा रहे हैं हम लोग आंटी गाने की तैयारी करने आप कमरे में आराम कीजिएगा मैं मीरा को ले जाऊंगी ना 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 एक बात मेरी कान खोल के सुन ले मिली ये तो मैं तो बगैर कभी कित गई नहीं तो जितना जितना मीरा जाएगी उतना मैं नाल जावांगी हाँ ठीक है आंटी जैसा आप चाहें नॉट अ प्रॉब्लम मैं आपके लिए चीजें भिजवाती हूँ। चलूँ छाओ जल्दी जी जी मैं अभी भिजवा दी हाँ आए आंटी आओ मीरा हाय ये तुम्हारे गाने का कमरा है यार ये मिली इस खातून को इधर भी ले आई है बहुत खूबसूरत है ये कभी तो कोई अकल की हरकत किया करे यार ये क्या है बर्तन भांडे आंटी आपने शायद टीवी पे देखा हो ये हमारा गाने बजाने का सामान है हम इससे म्यूजिक बजाते हैं हाय हाय बिस्मिल्लाह देख के नहीं चल सकती हो तुम क्या हो यार चोट तो नहीं लगी ठीक है बैठ जा इडियट मेरा गिटार गिरा दिया यार छोड़ना यार कुछ नहीं हुआ इन्हें बर्तना के साथ किस तरह आप लोग गाने बनाते हैं हमने तो कभी किसी को नहीं सुना बगैर ढोल की ता पेटी के बगैर गाना कैसे गाते मेरे को तो समझ नहीं लगती चलो जीवे है हले तो तुम सुनाओ ना गाना शाना क्या सिखा है आप लोगों ने कोई ठुमरी कोई सरेकी कोई सुफियाना मिली ये सब क्या है I can take this girl because of you but this woman I swear Arsh please calm down अभी इतने हाइप होने की जरूरत नहीं है ठीक है चल नहीं मिली गाना सुना जल्दी से हो आंटी मैं गाना नहीं गाती हमारे बैंड में अर्श गाना गाता है मैं और हारिस ये बाजा बजाते हैं मीरा को अर्श के साथ गाना गाना होगा नहीं जी मैं इधर कैसे गा सकती हूँ इधर तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तुम सब सीख लोगी मीरा बस तुम परेशान मत हो तुम परेशान ना हो तुम तो हमें सबको परेशान करने आई हो तुम थोड़ी देर चुप रह सकते हो तो आंटी आप इधर आकर बैठ जाएं हम आपको गाना सुनाते हैं ढोल तो सुना है हमारे गांव में हम लोग मेलों में ही बजाते हैं ये ढोल है ना जी अच्छा लग रहा है जी हम आपको अपना गाना सुनाते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि हम किस तरीके से गाना गाते हैं चलो चंगा अब सुनाओ बिस्मिल्लाह करो चल भाई अर्श प्लीज गाना सुना दो इतना बुरा वक्त आ गया हम पे कि अब हम इनको गाने सुनाएंगे आयश थोड़ा सा गाना सुना दो आंटी और मीरा को क्या हो गया प्लीज जब से मिले तुम दो जान लो ना है हाल दिल का ये कैसा हुआ जान लो ना ये हाल दिल का है क्या
ऐसा हुआ। एक मिनट ठहर, एक मिनट ठहर। मिली ही तो बहु बेसुरा है, बहु रुखा। मिली बुरिया मेरी बात सुन, नहीं वो मीरा के साथ ना गवावी, उसे जाके तेरी बिस्ती कराएगा, बहु बेसुरा है। तो मीरा को कल्ला गवा के देखी तो फर्स्ट आवे की जीत के आवेगी तो टीवी वाले बहु खुश हो जाएंगे। यार ये आंटी क्या कह रही है, तुम्हारी बुराइयां करी है मैं। चल मीरा तू सुना, ओ चल लतीश दी काफी सुना, चल बिस्मिल्लाह कर। आंटी मुझे पता है मीरा बहुत अच्छा गाती है, लेकिन हमारे तरीके से गाने के लिए उससे थोड़ा सा सीखना होगा। ले मीरा को क्या लोड़ है गाना सीखने की, इसलिए तो जल्दी आंख पट्टी है, मैंने इसको गाना बहुत सिखाया है। चल बाबा बुल्ले शाह का कलाम शुरू हो, चल जल्दी हो। मिली या इनको चुप करा लो या मैं यहाँ से जा रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रख लो प्लीज। कल्ला बैठ के क्या देख रहा है मोबाइल पर? आजा आजा तू भी अंदर आजा देख ले, आजा ये देख। ओए ये क्या है और तेरे पास कैसे आई? मोबाइल पे इंटरनेट चालू किया है, गूगली में जाके तस्वीरें खोली हैं। ये गूगली? ये गूगली क्या है? ओए एक तो तुम जाहिलों का क्या करूं मैं, तू दफा कर गूगली को, बस तस्वीरें देख चुप करके चल। इम्तियाज भाई ये गोरियां कितनी मस्त हैं, कितनी प्यारी हैं, मेरे मोबाइल पे भी लगा दे ये गूगली। भाई मोबाइल पे इंटरनेट चालू करना पड़ेगा गूगली के बच्चे। ला 200 रुपए दे, अभी चालू कर देता हूँ। ला 200 रुपए? हाँ यारी दोस्ती का कुछ तो ख्याल कर। वो फिटे मुँह तेरा, मजे भी लेने हैं तो कंजूसी भी करनी है। 100 रुपया देगा ना ऊपर तो इन मस्त गोरियों की फिल्में भी चलेंगी। फिल्में? मेरे मोबाइल पे फिल्में भी चलेंगी? हाँ। फिर तो अभी ले 300 रुपए। ला दे शाबाश। दुबई गया था तो कितना सीधा साधा था, बड़ा तेज हो गया है तू दुबई से। सच बता तू दुबई में टैक्सी चलाता था या कुछ और करता था? बकवास बंद कर, फोन दे इंटरनेट चालू करूं। अर्श मैं सब संभाल रही हूं ना, तुम प्लीज अपने टेम्पर को लूज मत करो। ओके आंटी आप बैठ क्यों नहीं जाती? आंटी आप चाहती है ना कि मीरा मुकाबला जीते, सबसे अच्छा गाए। हाँ ये तो मैं चाहती हूँ। तो फिर आंटी आप प्लीज आराम से खामोशी से यहाँ बैठ जाए प्लीज। हलो ठीक है बैठ जाती हूँ खामोशी से। हूँ तो खुश हो ना सारे? मीरा ये लो ये पकड़ो। ये क्या है? आंटी एक सेकंड मैं मीरा को जरा समझा दूँ। ये पकड़ो। ये स्लेट क्यों जी? नहीं ये आईपैड है, इसे तुम। ओह गॉड मैं सुसाइड करके हराम मौत नहीं बनना चाहता हूँ और किसी का कत्ल करके जेल भी नहीं जाना चाहता हूँ। प्लीज हेल्प प्लीज। ये देख लो। ये क्या है? शोले मेरे कूड़ हैं बिसुरे। चुप करके बैठना। क्या मैं क्या बोल दी भैया, मैं कुछ चुप कराई जाती हर वक्त, मैं तो चुप बैठी हूँ। ये तो जी आप पे ही बंद हो गए। और नहीं सर वीडियो खत्म हुई है। ये देखो अगर फिर से तुमने प्ले करना हो ना तो बस इसे हल्का सा टच करो और वो वापस आ जाएगी ठीक है। ये बाकी सारी वीडियोस हैं, तुम गौर से फरवा और अर्श के गाने को देखो ठीक है। ये ले चाय पी ले। ओए आज की ताजा खबर पता चली है तुझे? कैसी खबर? ओए आपा शीदा और तेरी लाडली मीरा लाहौर चली गई हैं। क्या लाहौर? लाहौर लाहौर पक्का पक्का। तो क्यों तुझे कैसे पता? इलियासे ने बताया है। वो सवेरे आया था ना दुकान पे, वो इलियासे ने उनको देखा सामान सामान उठाया हुआ था, अड्डे की तरफ जा रही थी और जेबो बता रही थी। जाजा कहता है मेरी बहन जो है ना लाहौर जाके गाने गाएगी। वो किड्डा बगैरत है, लख दी लानत। तुझे कहता था मैं ये औरतें ठीक नहीं है, नहीं है ठीक, इनके साथ मेल मिलाप चंगा नहीं हमारा।
अब देखना कल्लम कल्ली मुंह चुक के लौट चली गई है। कभी किसी औरत ने हरकत की है तो हैरत ना हो, और ये समझ क्या रही है लौट जाके टीवी वाले सुगाने का चांस दे देंगे। ये बड़ी आई नसीबो लाल या रेशमा। चल छोड़ना इम्तियाज इनकी बात, जब हमारा उनके साथ कोई लेना देना ही नहीं है तो हमें क्या, वो जहां जाए जो करे। गरूर तू देख उसका है, आपा शीदा का है क्या औकात की कमजात मरासन आकड़ किड्डी है। वो तेरे से माफी मांगती अपनी ती की बगैरती जो उसने की थी। चल दफा करना इम्तियाज, कोई और बात कर, छोड़ इस बात को। जबरदस्त तरीके से बोर हो रही है। अच्छी बात है, जितना बोर हो सकती है मुझे, कल कम से कम स्टूडियो तो नहीं आएगी ना। इसकी बेटी फिर भी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन ये औरत बर्दाश्त से बाहर है। बुरी बात है आयश, क्यों तुम उन बेचारियों के पीछे पड़ गए? बेचारी? कम से कम इस औरत को तुम बेचारी मत कहोगी। मिली पुत्र। जी आंटी। कितनी की देर देखनी है स्लेट इसने मीरा ने? बस आंटी, मीरा तुम बताओ, तुमने गाने ठीक से देखे? कुछ कुछ समझ आए कि हम किस तरह से गाने गाते हैं? जी थोड़ा समझ आए। अच्छा गुड। आंटी वैसे आप काफी थकी हुई लग रही हैं, मीरा तुम भी थकी थकी सी लग रही हो। ऐसा करें आप दोनों कमरे में जाके आराम कर लें, सफर का भी तो थकन होगा ना आप दोनों को। मैं आपका खाना कमरे में ही भेज देती हूँ। आप आज जल्दी सो जाइएगा, कल हम ठीक से गाने की तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है? चल 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 शुक्र, चल जल्दी हो, आजा आजा उठना, छोड़ इसको इसे, चल निकलिए। वाह है हाय हाय, तो वह शुक्र है मेरे को तो डब्बा डोंगा मिलिया नहा के, मेरे को चैन पै गया। मेरा इतनी है हनेरा क्यों है, बत्ती तो बाल जरा। बेबे मिको क्या पता किधर से जलानी है। हाँ कौन है जी? आप लोगों का खाना लगा दिया, आ जाए आप लोग। अच्छा आजा, मेरा खाना आ गया। हाय मैं मर गई, इतना सारा खाना, दो जनियों के लिए इतना खाना लेकर आई है तू। बस सुन आधा घर वालों के लिए ले जा, नीचे कहीं थोड़ ना जावे। बेबे मुझे बत्ती जलानी थी। जी जी अच्छा। हाय मैं मर गई, देखना सही। जी आप लोगों को कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं जी मेहरबानी। मीरा इतने आजा जरा, देखता सही सारिया चीजा, इतना सालन तो खीर भी है, देख खीर। बेबे ये तो कोई और ही मीठा लग रहा है। हला चल जो भी है तो मीठा, तो मच्छी देख मच्छी, बड़ी अच्छी खुशबू है। ए पकड़ तू भी खा और जल्दी से हो, देख तली हुई है फ्राई। बेबे घी तो है ही नहीं, सूखे पुखे है। जो भी है बड़ी स्वादी। हाय मेरे को तो ज्यादा बाला बहुत याद आ रहे हैं, कितना शौक है इनको खाने का। हाँ बेबे मुझे भी चाचा और मामे की बड़ी याद आती है, ज्यादा तो बड़ा शौकीन है मच्छी का। इन्हें कर खाने के बाद ना उनको बाले को मोबाइल कर लेना, बात कर लेंगे, जरा पता था करो उनकी, खबर लवा क्या हो रहा उधर, ज्यादा स्कूल गया नहीं गया, बाला क्या करता फिरता है, फोन करेंगे। बेबे वो तो ठीक है, मोबाइल नंबर तो है ही नहीं। दूर फिरने मुझे, तू तो है ही शोधी, नंबर क्यों नहीं रखी अपने पास? चल खैर हुआ भी ना मिली, मुझे कोई नंबर है बाले का, ऐसा फोन कर लांगे। मुनीरा तुम्हारी मुलाकात हुई उन खवातीन से जिनको
मिली यहाँ घर ले आई है? हाँ, माँ बेटी हैं, बेटी कोई मिली की हम उम्र होगी। मुझे तो दोनों बहुत सीधी सादी और मासूम लगी। मैंने तो सोच रखा था कि अगर मुझे ये खवातीन जरा सी भी गड़बड़ लगी ना तो मैंने चलता कर दूंगी, मगर मिली वॉज राइट, दोनों बहुत ही स्वीट और मासूम हैं। और शीदा जो उस लड़की की माँ है ना, तो पूरा एक कैरेक्टर है। जिस तरह की हरकतें और बातें वो कर रही थी ना, मुझे तो हंसी रोकना ही मुश्किल हो गया था। चलो भाई, इसका मतलब है मिली ने साबित कर दिया कि वो एक ज़हीन बाप की बेटी है जिसको लोगों की परख और पहचान। अच्छा जी, तो वो लोगों की परख और पहचान में अपनी माँ पर नहीं गई जो हर रोज हर तरह के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोगों से मिलती है? वैसे मुनीरा, तुम इन खवातीन पे नजर रखना, क्योंकि आजकल के हालात हमें इजाजत नहीं देते कि हम अनजान खवातीन पे इतना भरोसा करें, उनको अपने घर में ठहरा लें। मैं तो उन पर नजर रख ही लूंगी खालिद, मगर मीरा और शीदा पर नजर रखने के लिए हारिस और अर्श काफी हैं, क्योंकि वो दोनों इस बात के शदीद मुखालिफ हैं कि उस लड़की को उनके बैंड में शामिल किया जाए। इसलिए उन्होंने कड़ी नजर रखी हुई इन खवातीन पे कि इन माँ बेटी से कोई भी गलती हो और वो वावेला मचा दे कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग मीरा, कैसी हो? वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हें रात को नींद ठीक से आ गई? रूम तो कंफर्टेबल लगा ना? जी, नींद ठीक आई, मेज टेबल की जरूरत नहीं है। बहुत क्यूट हो तुम मीरा। जी कुछ नहीं, अर्श आ गया है और हारिस भी अब तक उठ चुका होगा, अगर नहीं उठा होगा तो अर्श उसे उठा देगा। बेबे तैयार है। मीरा, मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ? प्लीज बुरा मत मानना, मगर आज अगर आंटी हमारे साथ ना आए तो? नहीं नहीं जी, मैं समझती हूँ। बेबे कल भी आपके गाने वाले कमरे में बड़ा बोल रही थी, मैं समझा दूंगी। थैंक यू मीरा, यू आर अ डार्लिंग। है नहीं मिली, आ गई है तू? जी आ गई आंटी जी। चल फिर चलिए। आपने नाश्ता ठीक से किया? और चाय भिजवाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, हमने बड़ा सोना नाश्ता कर लिया था। चल तेरे गाने वाले कमरे में चल। बेबे कल करनी थी। उधर ही चल के करेंगे ना, गाने वाले कमरे में? नहीं बेबे, वो गल ये है कि आज तू मेरे साथ ना जा। सजना मैं तेरे को ले आड़ा।